लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का अपने डेली लाइफ में क्या यूज है? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बिजनेस करना है और उस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा कि उन कंडीशन को पूरा करते हुए, एंड ऑफ ईयर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाले। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर ने मेरे को बोला कि बेटा देखो, टेबल और चेयर बनाने का बिजनेस करना है। मेरे को एक छोटी सी जगह दे दी, बोले इस जगह में आपको टेबल और चेयर का बिजनेस करना है, ये इन्वेस्टमेंट करने के कुछ रुपए हैं। तो मैंने टेबल और चेयर का बिजनेस स्टार्ट किया। मैं टेबल को भी सेल कर रहा हूँ, चेयर को भी सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मेरे को जो कंडीशन दे रखी है, मेरे को जो स्पेस दे रखा है, मेरे को जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अमाउंट दे रखा है, उन अमाउंट को यूज में लेते हुए मेरा टारगेट क्या रहेगा कि साल के एंड में मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा ये 100 रुपये का नोट ले और मार्केट से कुछ परचेज करके ला, तो मार्केट से आपको कुछ परचेज करना है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा कि मम्मी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और कॉस्ट भी कम से कम लगे। तो एलपीबी में जितनी प्रॉब्लम है, एक तरह से हर तरह से उसका प्रॉफिट देखा जाता है कि अपन कुछ परचेज कर रहे हैं तो कॉस्ट कम लगनी चाहिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उनको सेल कर रहे हैं, तो अपना टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम मैक्सिमम क्या निकाले, प्रॉफिट निकाले। तो एलपीबी की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन, इसमें टोटल 3 स्टेप है। पहली स्टेप ऑब्जेक्ट, अब बाजार में कुछ परचेज करने जा रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा कि कॉस्ट मिनिमम लगनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट। आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो आपका टारगेट रहेगा मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना, ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। आपको कुछ कंडीशन दे रखी होगी, कुछ रेस्ट्रिक्शन गिवन होंगे, तो उनको कहते हैं अपन कॉन्स्टेंट्स। जैसे मेरे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50,000 रुपीज दे रखे हैं, तो मेरे पास रेस्ट्रिक्शन हो गया कि मैं 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। मेरे को रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि ये इतनी सी जगह है, इस जगह में आपको टेबल और चेयर बनाने का बिजनेस करना है, तो मेरे ये जगह है 50 पीस रखने की है, इसका मैं 50 से ज्यादा पीस नहीं बना सकता, कंडीशन होगा। तो जो भी रेस्ट्रिक्शन गिवन है वो इसमें कॉन्स्टेंट में आएंगे। थर्ड कंडीशन होती है नॉन नेगेटिव कंडीशन। नॉन नेगेटिव कंडीशन जो सभी किस्मों में फिक्स होती है, जो भी आपको टू ऑब्जेक्ट गिवन है जिनको अपन लेफ्ट करेंगे कि एक्स और वाई है। जैसे मान लो मेरे को कहा टेबल और चेयर बनाओ, तो मैंने नंबर ऑफ टेबल एक्स मान ली, नंबर ऑफ चेयर वाई मान ली। मैं दो टाइप के फूड मिक्स कर रहा हूं, फूड एक्स और फूड वाई, लेकिन ये जो क्वांटिटी होती है या तो होगी नहीं, होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव। नंबर ऑफ टेबल पॉजिटिव, नंबर ऑफ चेयर पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव कंडीशन जो भी टू ऑब्जेक्ट है उनकी वैल्यू क्या हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एलपीपी का अपने डेली लाइफ में क्या यूज रहा है? एलपीपी की हेल्प से अपन कोई भी बिजनेस करते हैं, मार्केट में कुछ भी परचेज करने जा रहे हैं, तो एलपीपी की हेल्प से अपन पहले आइडिया लगा सकते हैं कि जो मेरे को कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं कितने कितने आइटम मैन्युफैक्चर करूं, कितने कितने आइटम मार्केट से परचेज करूं, तो मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, जो कंडीशन दे रखी वो भी पूरा हो जाए,
और अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मैं कुछ परचेज करने जा रहा हूँ तो रिक्वायरमेंट के पूरी होने के साथ कॉस्ट भी क्या लगनी चाहिए, मिनिमम लगनी चाहिए। तो आपको एग्जाम के अंदर जो भी वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, सबसे पहले उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन करोगे। एक एग्जांपल देखिए, मैं टेबल और चेयर बनाने का बिजनेस कर रहा हूं, मैं टेबल और चेयर बनाने का बिजनेस कर रहा हूं। एक टेबल को बनाने में 300 रुपीज की कॉस्ट आ रही है, एक चेयर को बनाने में 200 रुपीज की कॉस्ट आ रही है। मेरे पास जो स्पेस है वो 50 पीस रखने का ही है, उससे ज्यादा स्पेस मेरे पास नहीं है। मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए ओनली 12,000 रुपीज है, उससे ज्यादा नहीं है। मैं एक टेबल को सेल करता हूं तो मेरे को 40 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, एक चेयर को सेल करता हूं तो 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ मैं कितने कितने टेबल और चेयर बनाऊं कि मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो तो सबसे पहला काम इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन कंप्लीट करो। लेट नंबर ऑफ टेबल एक्स, नंबर ऑफ चेयर वाई। सबसे पहला पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना। इन कंडीशन को पूरा करते हुए एंड ऑफ ईयर क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट। वन टेबल पे 40 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो एक्स टेबल पे प्रॉफिट कितना होगा? 40x। वन चेयर पे 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो वाई चेयर पे प्रॉफिट कितना होगा? 35। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 40x प्लस 35। दूसरी कंडीशन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में देखिए आपके पास स्पेस कितने पीस का है? 50 पीस का। मतलब आप टेबल और चेयर मिला के 50 से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। आपने टेबल कितनी बनाई? एक्स। चेयर कितनी बनाई? वाई। टोटल स्पेस 50 पीस का है। इसका मतलब हो गया कि एक्स और वाई की जो टोटल है या तो 50 के बराबर होगी या 50 से कम होगी। Less than equal to 50. Number of table and number of chair का सम 50 से less होगा या 50 के equal होगा। One table पे cost कितनी है? 300. X table पे cost कितनी होगी? 300x. One chair पे cost कितनी है? 200. Y chair पे cost कितनी होगी? 200y. Total जो cost आ रही है वो कभी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा नहीं होगी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो रही है तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, आपको पैसे उधार लेने पड़ेंगे। तो आपको बिजनेस करना है तो आपकी कॉस्ट 12,000 से ज्यादा नहीं होनी सकती, या तो 12,000 होगी या उससे क्या होगी? कम होगी। तो लेस देन इक्वल टू 12,000। और तीसरी कंडीशन आपके नॉन नेगेटिव कंडीशन जो सभी किस्तों में फिक्स होती है, नंबर ऑफ टेबल एंड नंबर ऑफ चेयर ग्रेटर इक्वल टू 0। टेबल और चेयर की जो क्वांटिटी है या तो होगी नहीं, होगी तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। या आपके ये जो प्रॉब्लम गिवन थी इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको ग्राफिकल मेथड से सिंप्लीफाई करना है। ग्राफिकल मेथड से सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, ये तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज को मैं यहां लिख रहा हूं, x + y less than equal to 50,
300x plus 200y less equal to 12,000, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. इलेवेंथ क्लास के अंदर लीनियर इंक्रीटिव चैप्टर के अंदर हमने ग्राफ बनाना सीखा था। तो इनका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इनकी करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालते हैं। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो लेस देन और इक्वल टू का साइन है उसको कंप्लीट इक्वल टू में कन्वर्ट कर दीजिए। x प्लस y इक्वल टू 50, 300x प्लस 200y इक्वल टू 12,000, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, सबसे पहले x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करोगे। x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन है। दोनों जीरो से ग्रेटर है मींस बोथ आर पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इनका एरो जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बनेगा। ये वर्क कंप्लीट होने के बाद इन पर आते हैं। इनका ग्राफ बनाने के लिए टू मेथड है, इनके थ्री पॉइंट निकाल के बना सकते हैं, इनको इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ये वैल्यू 1 होनी चाहिए और यहां 50 दे रखी है, तो 50 का सब में डिवाइड कर दो। x अपॉन 50 y अपॉन 50 इक्वल टू 1। इधर 12,000 में डिवाइड कर दो, x अपॉन 40 y अपॉन 60 इक्वल टू 1। तो x के अपॉन में कितना है? 50। y के अपॉन में 50, 40, 60। तो अपन 10 10 का डिफरेंस ले रहे हैं, 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60। तो देखिए x के अपॉन में 50, y के अपॉन में 50, दोनों जॉइन कर, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो क्या करते हैं इसमें 0 0 पुट करते हैं। 0 0 यहां पुट किया तो 0 लेस देन 50 है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू। ट्रू आ रहा है इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ? टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर रिजल्ट ट्रू आता है तो टुवर्ड्स ओरिजिन, और रिजल्ट ट्रू नहीं आता तो अवेज ओरिजिन। अब ये वाला में x के अपॉन में 40, ये 40, y के अपॉन में 60, 60। इसमें भी 0 0 पुट करो तो 0 लेस देन 12,000 ट्रू। तो इसका रिजल्ट भी क्लियर हुआ, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इन सबका कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है? ये। ये जो कॉमन रीजन फाइंड हुआ है इसकी हेल्प से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अपन यहां जो मेथड पढ़ रहे हैं ना, उस मेथड का नाम है पॉइंट कॉर्नर मेथड। पॉइंट कॉर्नर मेथड में क्या होता है, जो शेडेड रीजन आता है उसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट है, जैसे ओ 0 0, ए 40,0, बी और ये पॉइंट है सी 0,50। बी पॉइंट को ग्राफ से देखो 20 आ रहा है, इधर 30 आ रहा है, तो बी पॉइंट हो गया 20,30। ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट आए हैं इनको नोट कर लो, ओ ए बी सी, ओ पॉइंट 0 0, बी पॉइंट 40 0, 20 30, 0 50। और इन पॉइंट को आप जो आपका मेन टारगेट है मैक्सिमम प्रॉफिट 40x प्लस 30y इसके अंदर पुट करो। सबसे पहले x को 0, y को 0, x 0 y 0, तो प्रॉफिट हो गया 0। x 40, 40 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 0 1600। x 20, 40 इंटू 20, 30 इंटू 30 1700। और 0 50, 0 प्लस 30 इंटू 50 1500। तो आप देखिए
इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है 1700, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है 1700, किससे आ रहा है 2030 से। इसका मतलब अपन को टेबल कितनी बनानी पड़ेगी 20, और चेयर कितनी बनानी पड़ेगी 30। तो इस क्वेश्चन में अगर अपन 20 टेबल बनाते हैं और 30 चेयर बनाते हैं तो अपन को एंड ऑफ ईयर 1700 का प्रॉफिट होता है, जो बाकी कंडीशन से मैक्सिमम है। तो ये इसका ऑप्टिमम मैक्सिमम सॉल्यूशन है। ये जो हमने टेबल और चेयर का क्वेश्चन किया था, इसके बेस पर आप 12.2 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना, ये पूरा क्वेश्चन इस पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना, फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 2। ये जो 7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 3, 4, 5, 6, 2 और क्वेश्चन नंबर 7, ये सातों क्वेश्चन उसमें बेस कर सकते हैं आप। आपको इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए, पहले उसको मैथमेटिकल फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कीजिए और उसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद उसके जितने भी सेंटर डिवीजन के कॉर्नर पॉइंट आते हैं उन कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करो और उसको अपने ऑब्जेक्ट के अंदर पुट कर दो। तो जो भी आपके मैक्सिमम वाला जो पार्ट पूछा है आंसर आएगा, वो आपको आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, मिसलेनियस के अंदर फिफ्थ क्वेश्चन, विद मिसलेनियस का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो गिवन है, एन एरोप्लेन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर, ए प्रॉफिट ऑफ 1000 इज मेड ऑफ इच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एंड ए प्रॉफिट ऑफ 600 इज मेड ऑन इच इकोनॉमी क्लास टिकट। द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर प्रिपेयर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास, डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट of each time must be sold in order to maximize the profit for the airline. What is the maximum profit? देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन में टोटल 200 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इसमें दो टाइप के पैसेंजर बैठ रहे हैं, एक फर्स्ट क्लास टिकट वाले, एक सेकंड क्लास टिकट वाले, एक इकोनॉमी क्लास टिकट एंड ऑर्डिनरी पैसेंजर। जो फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर है उनके एक टिकट पर 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और जो सेकंड क्लास वाले पैसेंजर है उनके वन टिकट पे 600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। फर्स्ट क्लास वाले जो पैसेंजर है वो उनका जो रिजर्वेशन है एटलीस्ट 20 है, मतलब फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर की जो सीट है वो रिजर्व है, और कितने सीटें रिजर्व है 20 तो रिजर्व है ही है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, एटलीस्ट मतलब 20 या 20 से ज्यादा। फिर ये पूछा है कि मैक्सिमम पैसेंजर ऐसे हैं जो सेकंड क्लास में जाना चाहते हैं, ये पैसेंजर कितने हैं सेकंड क्लास वाले। फर्स्ट टाइप के जो पैसेंजर है उनके 4 टाइम से भी ज्यादा है, मेनी पैसेंजर प्रिफर सेकंड क्लास, मतलब सेकंड, विच इज एटलीस्ट मींस ग्रेटर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट क्लास पैसेंजर।
बस मास के पैसेंजर के चार गुने से भी ज्यादा है। तो बताओ दोनों टाइप के पैसेंजर कितने कितने एयरप्लेन के अंदर बैठे हैं कि इस एयरलाइन को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट हो। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ फर्स्ट क्लास एक्स एंड सेकेंड क्लास इज वाई। एग्जीक्यूटिव क्लास वाले फर्स्ट क्लास वाले हो गए, ऑर्डिनरी क्लास वाले सेकंड क्लास वाले हो गए, दोनों टाइप के पैसेंजर अपने लेट करने के एक्स और वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एयरलाइन का टारगेट मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना, ऑब्जेक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर मैंने एक्स लेट किए हैं, सेकंड वाले वाई लेट किए हैं, इसके वन टिकट पे 1000 का प्रॉफिट है, तो एक्स टिकट पे प्रॉफिट कितना होगा 1000x प्लस इसके वन टिकट पे 600 का प्रॉफिट है, तो ऐसे पैसेंजर वाई है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 600y। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू 1000x प्लस 600y। इस एरोप्लेन की कैपेसिटी कितने पैसेंजर बिठाने की है 200। इसका मतलब दोनों टाइप के जो पैसेंजर है उनको प्लस करने पे या तो ये 200 इक्वल होंगे या 200 से क्या होंगे कम होंगे, उससे ज्यादा पैसेंजर बैठ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास पैसेंजर रिजर्व है एटलीस्ट 20। फर्स्ट क्लास पैसेंजर पर एक्स माने हैं, इसका मतलब एक्स की वैल्यू एटलीस्ट 20 तो ही है, मतलब एक्स 20 तो हो गया होगा या उससे ज्यादा ही होगा। ज्यादातर पैसेंजर कौन से क्लास में जाना चाहते हैं, सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास वाले कितने पैसेंजर है भाई, ये पैसेंजर क्या है एटलीस्ट है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। किससे एटलीस्ट है, फर्स्ट टाइप के पैसेंजर के 4 times से, मतलब उनके 4 गुने से भी ज्यादा है। फर्स्ट टाइप के पैसेंजर एक्स है, उसका 4 times कितना होगा 4x, मतलब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। और लास्ट नॉन नेगेटिव कंडीशन एक्स ग्रेटर एन इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर एन इक्वल टू 0। ये इस प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही कि जितने भी लीनियर डिग्री जिनको एक साथ लिखो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 200 कॉमा एक्स ग्रेटर एन इक्वल टू 20 कॉमा वाई ग्रेटर एन इक्वल टू 4x x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इनके करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालो, करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन x plus y equal to 200, x equal to 20, y equal to 4x, x equal to 0, y equal to 0, x equal to 0 is the equation of y-axis, y equal to 0 is the equation of x-axis। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाओगे, तो y-axis, x-axis, origin, this is x equal to 0, this is y equal to 0, दोनों 0 से greater है, इसका मतलब इनका रीजन कहाँ बनेगा, first quadrant, ये first quadrant complete। Now, इसमें x भी है, y भी है और 200 भी है, तो 200 का डिवाइड कर दिया। तो यहां देखिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। सेम इसी टाइप से एक्स के अपोन में कितना आ रहा है 200, वाई के अपोन में कितना आ रहा है 200, एक्स पे 200 ये पॉइंट, वाई पे 200 ये पॉइंट, तो
ये रहेगा ओरिजिन से पल्स नहीं हो रही है, तो इसमें जीरो जीरो पुट करो, तो ये हो गया जीरो लेस देन 200 ट्रू। और रीजन ट्रू आ रहा है इसका मतलब इसका रीजन किधर होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। एक्स इक्वल टू 20 जो वैल्यू ओनली एक्स में होती है इज ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू 20 क्या आएगा ये रहा, तो यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, दिस इज एक्स इक्वल टू 20। ये लाइन भी ओरिजिन से पास नहीं है तो इसमें भी 0 0 पुट करो, तो 0 ग्रेटर देन 20 फॉल्स। इसका मतलब रीजन क्या हुआ, अवे द ओरिजिन, इस 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका रीजन होगा अवे द ओरिजिन। लास्ट इक्वेशन बनने को चाहिए वाई इक्वल टू 4x, इसमें केवल x और y है, तो इसमें अपन 3 पॉइंट फाइंड करेंगे, 3 पॉइंट x और y। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y भी क्या आएगा 0, x को 20 लूंगा तो y क्या आएगा 80, x को 40 लूंगा तो y क्या आएगा 160। इन पॉइंट को डिनोट करो, x 0 y 0, x 20 y 80, x 40 y 160। लेकिन ये लाइन ध्यान से देखिए ओरिजिन से पास होती है, और जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसमें 0 0 पुट करके चेक नहीं करते हैं, उसका रीजन चेक करने का तरीका होता है कि इस लाइन के इधर कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है और इधर कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, कंप्लीट क्वाड्रेंट इधर सेकंड है इधर फोर्थ है, या तो आप सेकंड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट ले लो या फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट ले लो और उसको इस इक्वेशन में पुट करो, अगर सेटिस्फाई करे तो रीजन उसकी साइड में हो जाएगा। तो मैं यहां सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट ले रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने 1 1 लिया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होता क्या है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो आप, लेकिन x को नेगेटिव और y को पॉजिटिव, पुट किया y को 1 x को -1, क्या 1 ग्रेटर देन -4 है, यस ट्रू, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका रीजन किधर हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। तो जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसका मुंह किधर पॉइंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। तो देखो आप इस लाइन का रीजन इधर आया, इसका रीजन इधर आया और इसका रीजन इधर, तो तीनों का कॉमन रीजन कौन सा बना, ये पॉइंट आपके ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ध्यान देना इस लाइन की इक्वेशन है x plus y equal to 200, इस लाइन की इक्वेशन है x equal to 20, और ये जो लाइन है ये y equal to 4x। ये लाइन दिखना इसलिए जरूरी कि मेरे को अभी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है इनका। तो देखो ये लाइन x equal to 20 है, इसका मतलब इसका x पॉइंट को 20 हो गया, और इसका भी x पॉइंट कितना हो गया 20। ये लाइन y equal to 4x है, अगर मैं x इक्वल टू 20 यहां रखता हूं तो 4 इनटू 20 80, तो ये पॉइंट हुआ 20 80। नाउ ये x इक्वल टू 20 है लेकिन ये इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो x इक्वल टू 20 यहां रखता हूं तो y इक्वल टू आता है 180, तो ये पॉइंट आया 20 180, इस लाइन को पुट कर लेते हैं। और ये जो b पॉइंट है ये b पॉइंट y इक्वल टू 4x ये लाइन, और x प्लस y इक्वल टू 200 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो मैं y की जगह क्या लिख दूं 4x। तो यहां सॉल्व करने पे x इक्वल टू आ गया 40, और x को 40 रखेंगे तो y इक्वल टू आ गया 160, इसका मतलब b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 40, 160। तो मेरे पास क्या 3 पॉइंट आए हैं, ए पॉइंट आया 20 80, बी पॉइंट आया मेरे पास 40, 160, और सी पॉइंट जो आया है 20, 180। अब ध्यान से देखो इन पॉइंटों को अगर मैं यहां पुट करता हूं मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर,
मैक्सिमम प्रॉफिट वाले स्टेप पे 1000 एक्स प्लस 600 वाई, अगर मैं एक्स की जगह 20, 1000 इंटू 20 प्लस 600 इंटू 80, इसको सोल्व करने पे ये तो आ गया 20,000 प्लस 48,000, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 68,000। 1000 इंटू 40 प्लस 600 इंटू 160 सोल्व किया 40,000 प्लस 96,000 एड किया कितना हो रहा है 1,36,000। और तीसरा पॉइंट पुट करने पे 1000 इंटू 20 प्लस 600 इंटू 180 दिस इज 20,000 प्लस 1,08,000 एड किया तो 1,28,000, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है ये। इसका मतलब मेरे को फर्स्ट क्लास वाले तो 40% से बिठाने पड़ेंगे, सेकंड क्लास वाले 160% से बिठाने पड़ेंगे, तभी मेरे को इस एयरलाइन को 1,36,000 का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 11 और मिसलेनियस का जो 6 और 7 क्वेश्चन है वो इसी प्रॉब्लम का बेस है। इस प्रॉब्लम के अंदर किसी पर्सन के पास 2 फैक्ट्री गिवन है। मान लो ये दोनों फैक्ट्री इनकी लोकेशन है, ये पी फैक्ट्री है और एक 2 फैक्ट्री है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पर्सन के पास 2 फैक्ट्री है जिनकी लोकेशन पी और क्यू है। इन फैक्ट्री के अंदर जो क्वांटिटी बन रही है, फर्स्ट वाली फैक्ट्री के अंदर है टोटल क्वांटिटी का 8 यूनिट अवेलेबल है, यहां कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है 8, और यहां वही क्वांटिटी कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है 6। दोनों के पास मिला के कुल कितने मैन्युफैक्चर हो रही है 14। अब इन दोनों फैक्ट्री से क्या हो रहा है, इन क्वांटिटी को 3 डिपो को सप्लाई किया जा रहा है। फर्स्ट डिपो ए जिसको 5 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, सेकंड है बी जिसको 5 की रिक्वायरमेंट है, थर्ड है सी जिसको 4 की रिक्वायरमेंट है। देखिए दोनों फैक्टर के पास अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है 14, और तीनों डिपो को रिक्वायरमेंट कितनी है 14, 5 + 5 + 4 = 14। तो ये कंडीशन टोटल कितनी अवेलेबल है, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है बराबर होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में जरा क्या होगा, अगर पी फैक्ट्री से एक क्वांटिटी यहां सप्लाई की जाती है एको, तो उसकी कॉस्ट देने की आपको 160 रुपीज पर क्वांटिटी। पी बी को सप्लाई करता है तो एक क्वांटिटी की कॉस्ट देने की 100 रुपीज, पी सी को सप्लाई करता है तो एक क्वांटिटी की कॉस्ट देने की 150 रुपीज। इसी तरह से क्यू से अगर एक क्वांटिटी सप्लाई होती है उसकी कॉस्ट देने की 100 रुपीज, क्यू बी को सप्लाई करता है तो उसकी कॉस्ट देने की 120 रुपीज, और क्यू सी को सप्लाई करता है तो उसकी कॉस्ट देने की 100 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है बताओ पी और क्यू कितनी कितनी क्वांटिटी एबीसी को सप्लाई करे कि एबीसी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और कॉस्ट जो सप्लाई करने का खर्चा आ रहा है, जो कॉस्ट आ रही है वो भी क्या हो मिनिमम हो। तो यहां प्लेट कर लीजिए कि पी ए को एक्स क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, लेट पी सप्लाई टू ए एक्स क्वांटिटी एंड पी बी को वाई क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। ए को टोटल क्वांटिटी कितनी चाहिए 5, 5 में से कितनी क्वांटिटी आ गई x,
तो रिमेनिंग क्वांटिटी आएगी q से 5 माइनस x इधर से आएगी। p b को y क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है और b को टोटल 5 चाहिए, तो रिमेनिंग क्वांटिटी 5 माइनस y ये फाइंड होगी q से। p के पास टोटल 8 क्वांटिटी, उसमें से a को उसने x दे दी, b को सप्लाई कर दी y की, x और y को प्रेस करके 8 में से माइनस कर दे तो बच्चे भी किसको देगा वो c को। तो c के पास कितनी क्वांटिटी हुई 8 माइनस x प्लस y, लेकिन c को टोटल क्वांटिटी चाहिए 4। जितनी क्वांटिटी p से आएगी उसको 4 में से माइनस कर दे तो बची हुई क्वांटिटी किससे आएगी q से। तो q के पास कितनी क्वांटिटी थी 6, तो 4 में से इसको माइनस कर दो 8 माइनस x प्लस y, माइनस साइन बंद है जो, तो x प्लस y इक्वल टू माइनस 4। देखिए इन दोनों के टोटल 5, इन दोनों के टोटल 5 और इन दोनों के टोटल 4 आ गए। यहां तक कंप्लीट करने के बाद आप अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका टारगेट है मिनिमम कॉस्ट निकालना। एक क्वांटिटी को सप्लाई करने की कॉस्ट पी से लगाकर ए तक 160 रुपीज है और पी से ए तक आपके एक्स क्वांटिटी है, तो एक्स क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 160 इनटू एक्स। इसी तरह से 100 इनटू वाई इसकी कॉस्ट हो जाएगी प्लस 150 इनटू दिस इसकी कॉस्ट हो जाएगी प्लस 100 इनटू 5 माइनस x प्लस 120 इनटू 5 माइनस y एंड लास्ट 100 x प्लस y माइनस 4। अब आपको इसको सिंपलीफाई करना है, आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपके आंसर आएगा 10 x माइनस 7 y प्लस 190। ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था मिनिमम कॉस्ट। सेकंड पार्ट था आपके कॉन्स्टेंट्स कि क्या क्या कंडीशन गिवन है। एक चीज देखना, ये जितनी भी क्वांटिटी सप्लाई हुई है फर्स्ट x सेकंड y 5 माइनस x 5 माइनस y 8 माइनस x माइनस y x प्लस y माइनस 4, या तो इन क्वांटिटी की वैल्यू जीरो होगी या जीरो से ग्रेटर होगी। नंबर ऑफ क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, होगी नहीं, होगी तो पॉजिटिव होगी, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। अब आपका टारगेट क्या है, ये जो फोर आया है लास्ट की फोर, ये तो हो गया आपके कॉन्स्टेंट्स, और फर्स्ट टू जो हो गए वो नॉन नेगेटिव कंडीशन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो y greater than equal to 0। अब आपके आगे वही सेम प्रोसीजर, x greater than equal to 0 y greater than equal to 0। देखिए इसको भी सिंपलीफाई करके लिखूं, ये हो जाएगा 5 greater than equal to x, इसी तरह 5 greater than equal to y, 8 greater than equal to x plus y और x plus y greater than equal to 4। और इसको सिंपलीफाई करें, x को इधर डालें, y को 5 को उधर ले जाएं, x greater than 0 y greater than 0, तो ये हो जाएगा x less than equal to 5। RHS LHS आपस में बदलता है तो greater than less than हो जाता है, y less than equal to 5, x plus y less than equal to 8, then x plus y greater than equal to 4। अगले स्टेप के अंदर आपको इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं ऑब्जेक्ट पे जो लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता मिनिमम कॉस्ट 10 x minus 7 y plus 190। देखिए करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये हो जाएगा आपके x इक्वल टू जीरो
जो y एक्सिस की इक्वेशन है, y इक्वल टू जीरो जो x एक्सिस की इक्वेशन है, x इक्वल टू फाइव पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू फाइव पैरेलल टू x एक्सिस, x प्लस y इक्वल टू एट, तो इसमें x को भी 8 से डिवाइड, y को भी 8 से डिवाइड इक्वल टू 1, x प्लस y इक्वल टू 4 मींस x अपॉन 4 y अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करें, x एक्सिस y एक्सिस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 First x equal to 0, x equal to 0 is the equation of y axis, y equal to 0 is the equation of x axis, both are greater than 0, so reason ho gaya first quadrant, x ke upon mein 8 hai, y ke upon mein 8 hai, ye x ke upon mein hai, y ke upon mein 8 hai, और इसके अंदर अपन 0 0 पुट करें, x plus y less than equal to 8 के अंदर पुट 0 0, तो 0 less than 8 आ रहा है, मतलब ट्रू, तो रीजन हो गया इसका टुवर्ड्स ओरिजिन। इसमें x पे 4 है, y पे 4 है, x 4 y 4, लेकिन इसमें 0 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर देन 4 आ रहा है, फॉल्स, तो इसका रीजन हो गया अवैध ओरिजिन। क्या रहता है x इक्वल टू 5, x 5 ये रहा है पैरेलल टू y एक्सिस, इसमें 0 0 पुट करें तो 0 लेस देन 5 ट्रू, तो रीजन हो गया टुवर्ड्स ओरिजिन। लास्ट होता है y इक्वल टू 5 पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 5 क्या रहा है, ये y इक्वल टू 5, देखिए ये y इक्वल टू 5, ये x इक्वल टू 5, ये x प्लस y इक्वल टू 8, ये x प्लस y इक्वल टू 4, ये अब ध्यान से देखिए y लेस देन 5, इसमें 0 0 पुट करें तो 0 लेस देन 5 ट्रू, तो इसका रीजन भी टुवर्ड्स है ओरिजिन। तो सबका कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला सबका कॉमन रीजन होगी। सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट ए, ये 4 पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये 4,0, तो पहला अपना पॉइंट अपने ए हो गया 4,0, दूसरा पॉइंट देखिए बी, ये 5 पे कट कर रहा है तो 5,0, तो बी पॉइंट हो गया 5,0। तीसरा पॉइंट है सी, सी में ये वाली जो लाइन है वो x इक्वल टू 5 है, तो x पॉइंट हो गया 5, और x को 5 यहां रखते हैं तो y को तो हो जाएगा 8 minus 5 3, तो c पॉइंट हो गया 5,3। फिर आता है डी, डी में y इक्वल टू 5 आ रहा है तो y इक्वल टू 5 हो गया, और y को 5 यहां रखो तो x इक्वल टू 3 आ रहा है, तो d पॉइंट हो गया 3,5। e ये वाला पॉइंट, e वाला पॉइंट यहां कट करेगा 5 पे तो 0,5, तो e पॉइंट हो गया 0,5, और f ये वाला पॉइंट हो गया 4 पे कट कर रहा है तो 0,4। इन सभी पॉइंट को अब आप क्या करेंगे, एक एक करके ऑब्जेक्ट में पुट करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट है 10 मिनिमम पॉइंट, 10 एक्स माइनस 7y प्लस 190। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप एक पॉइंट पुट करोगे, ए में x की वैल्यू दे रखी 4 और y 0, तो x को 4 रखें, y को 0 प्लस 190, तो सॉल्व करने पे कितना हुआ ये 194, 1940 रुपीस, मतलब 1940 रुपीस ये आपके इस 40 पॉइंट से मिनिमम कॉस्ट आ रही है। अब आता है पॉइंट 50, इसी तरह आप 50 पॉइंट रखते हैं तो 10 5 माइनस 0 प्लस 1950 कॉस्ट आ रही है, 1950 रुपीज कॉस्ट आ रही है। अगला पॉइंट आता है 5,3, 5,3 रखने पर आप सोल्व करके देखिए
10 x को 5 y को 3 190 1740 रुपीज कॉस्ट आ रही है। इसी तरह डी पॉइंट पे जो 3.5 है, 3.5 को रखने पर सोल्व करने पे 10 x को 3 y को 5 प्लस 190 1580 रुपीज कॉस्ट आ रही है। और ये 0.5 x 0 y 5 प्लस 190 35 माइनस करें तो 1550 रुपीज कॉस्ट आ रही है। 10 0 माइनस 7 इंटू 4 प्लस 190 1620 रुपीज कॉस्ट आ रही है। देखिए ए पॉइंट को पुट करने पे ₹1940 कॉस्ट आई, बी पॉइंट से ₹1950 कॉस्ट आई, कुल मिलाकर सबसे भी मिनिमम कॉस्ट आ रही ना वो ₹1550 आ रही है मिनिमम कॉस्ट। ये 0.5 से आ रही है, ई को 0.5 से, इसका मतलब आपके एक तरह से एक्स की वैल्यू 0 हो गई और वाई की वैल्यू क्या हो गई 5, और मिनिमम कॉस्ट कितनी हो गई 1550 रुपीज। इसका मतलब अभी अपने शुरू के अंदर जो क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था उसमें पी वाली फैक्ट्री से ए को एक्स क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी और एक्स की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब है पी फैक्ट्री से ए को एक भी क्वांटिटी सप्लाई नहीं हो रही है, वो 5 भी क्वांटिटी किससे सप्लाई हो रही है क्यू वाली फैक्ट्री से। इसी तरह से हमने लिख लिया था कि P फैक्ट्री से B को Y क्वांटिटी सप्लाई हो रही है और Y 5 आया, इसका मतलब P वाली फैक्ट्री से 5 क्वांटिटी B को सप्लाई हो रही है और Q वाली फैक्ट्री से 0 हो गया और बची हुई क्वांटिटी C को सप्लाई करेंगे P से और Q से। तो इस तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर मिनिमम कॉस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है डाइट प्रॉब्लम, इस डाइट प्रॉब्लम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लेते हैं कि हाउसवाइफ है, एक हाउसवाइफ है जो टू टाइप के फूड को मिक्स कर रही है, पी फूड एंड क्यू फूड। एक हाउस वाइफ टू टाइप के फूड को मिक्स कर रही है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि दोनों टाइप के फूड को मिक्स करने पे एक तो उसमें विटामिन ए होना चाहिए, एक उसमें विटामिन बी होना चाहिए। दोनों टाइप के फूड को मिक्स करने पे उसमें विटामिन ए की क्वांटिटी एटलीस्ट 8 तो होनी चाहिए और विटामिन बी की क्वांटिटी एटलीस्ट 11 होनी चाहिए। मतलब मेरे को इतनी क्वांटिटी तो चाहिए चाहिए, उससे ज्यादा हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर एंड इक्वल टू। जो मिक्सर बना है उसमें विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट होने चाहिए, विटामिन बी कम से कम 11 यूनिट होने चाहिए। फूड बी की जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज पर केजी है, फूड टू की जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज पर केजी है, फूड बी 60 रुपीज पर केजी का आ रहा है, फूड टू 80 रुपीज पर केजी का आ रहा है। फूड बी जो है उसका अगर 1 केजी मिक्स करते हैं तो उसमें विटामिन ए के 3 यूनिट है, 3
थ्री यूनिट पर केजी, और क्यू के अंदर विटामिन ए के 5 यूनिट पर केजी है। इसी तरह विटामिन बी के 5 यूनिट पर केजी है, और क्यू टाइप का जो फूड मिक्स कर रहे हैं उसमें 4 यूनिट विटामिन ए के हैं एंड 2 यूनिट है विटामिन बी के हैं 1 केजी के अंदर। देखिए दोनों टाइप का फूड मिक्स कर रहे हैं, अगर पी टाइप का 1 केजी मिक्स करते हैं उसमें 3 यूनिट विटामिन ए के हैं और 5 यूनिट विटामिन बी के हैं पर केजी में, और 2 टाइप का फूड मिक्स करते हैं तो 4 यूनिट विटामिन ए के हैं 2 यूनिट विटामिन बी के हैं पर केजी के अंदर। तो बताओ दोनों टाइप का फूड कितना कितना मिक्स करें कि कॉस्ट भी मिनिमम लगे और ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। तो लेट कर लेते हैं, लेट फूड पी इज एक्स केजी एंड फूड क्यू वाई केजी मिक्स कर रहे हैं, दोनों की क्वांटिटी लेट कर ली एक्स केजी है वाई केजी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट है मिनिमम कॉस्ट, 1 केजी की कॉस्ट 60 रुपीज है, तो एक्स केजी की कॉस्ट कितनी होगी 60x, और वाई केजी की 80y। पहली कंडीशन 1 केजी में विटामिन ए के 3 यूनिट है तो एक्स केजी में कितने होंगे 3x, वाई केजी में कितने होंगे 4y, और ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी 8 और 8 से ज्यादा। इसी तरह से विटामिन बी में 1 केजी के 5 यूनिट है पी के, तो 5x प्लस 2y, और ये क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 11। और लास्ट कंडीशन नॉन नेगेटिव कंडीशन, एक्स ग्रेटर एन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर एन इक्वल टू 0। अब आपको वही इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इन चारों को एक साथ लिख दीजिए, 3x प्लस 4y ग्रेटर एन इक्वल टू 8, 5x प्लस 2y ग्रेटर एन इक्वल टू 11, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन 3x plus 4y equal to 8, 5x plus 2y equal to 11, x equal to 0, y equal to 0, जिसमें x भी है y भी है और कॉन्स्टेंट भी है, उसको इंटरसेट फॉर्मेशन करो, 8 से डिवाइड कर दें, 3x upon 8, 4y upon 8 equal to 1, ये कट नहीं रहा तो ये जगह x 8 by 3, y upon 2 equal to 1, इसको 11 से डिवाइड करें तो 5x upon 11, 2y upon 11 equal to 1, तो ये x upon 11 upon 5, 11 by 2 equal to 1, और x equal to 0 is the equation of y axis, y equal to 0 is the equation of x axis, इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए 0, x axis, y axis, x equal to 0, y axis की equation, y equal to 0, x axis की equation, बोथ आर ग्रेटर देन 0, रीजन कौन से क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों कंप्लीट। यहां देखिए x के अकॉर्डिंग में 8 by 3 है, 8 by 3 का मतलब होगा 2.67 अप्रोक्स, तो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 upon 3, फिर यहां लिखे 8 by 3, y के बराबर 2, 2, x के बराबर 11 upon 5, 11 upon 5 का मतलब हो गया 2.2, 2.2 यहाँ आया, 11 by 5, 11 by 2 5.5, 3, 4, 5 यहाँ आया इसमें, लेकिन अभी अपन को इसका रीजन देखना है, रीजन चेक करें फर्स्ट का 3x प्लस 4y
greater than 8 and 5x plus 2y greater than 11. दोनों के अंदर 0 0 पुट करें तो एक में 0 greater than 8 आ रहा है, एक में 0 greater than 11 आ रहा है, दोनों रिजल्ट फॉल्स आ रहे हैं. दोनों फॉल्स आ रहे हैं मतलब दोनों का रीजन किधर होगा? अवैध ओरिजिन. इसका भी अवैध ओरिजिन और इसका भी अवैध ओरिजिन और इसका इधर ही. तो देखिए कॉमन रीजन क्या बना, ये बना. तो ये जो रीजन फाइंड हुआ है ये अनबाउंडेड रीजन है, इंफिनिटी तक जा रहा है. तो इसके अंदर कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से फाइंड हुए? एक तो ये, एक ये और एक ये. तो इस पॉइंट को ए डी नोट करें. तो ये क्या ए टू कॉमन ए बाई थ्री कॉमन जीरो. ये इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है. आप सॉल्व करके देखना ये पॉइंट 2.5 आ रहा है बी पॉइंट और सी पॉइंट 5.5 पे कट कर रहा है. तो 0.11/5 11/2. तो आपके ए पॉइंट क्या फाइंड हुआ? 8/3, 0. बी पॉइंट 2.5. सी पॉइंट 0 11/2. और मिनिमम कॉस्ट 60x प्लस 80y. यहां पुट करके सॉल्व करते हैं. 8/3, 0 8/3, 0 में 160 रुपीज आंसर आ रहा है. 2.5 रखने पर भी 160 रुपीज कॉस्ट आ गई. 11/2 रखने पर 440 रुपीज कॉस्ट आ गई. तो देखिए दो कंडीशन ऐसी है जिसमें कॉस्ट मिनिमम आ रही है 160 रुपीज, मिनिमम कॉस्ट 160 रुपीज. तो इसके दो आंसर हो गए एक तरह से कि अगर फर्स्ट टाइप का फूड जो परचेज करे वो 8/3 kg और सेकंड टाइप का बिल्कुल नहीं तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. या फर्स्ट टाइप का 2 kg परचेज करे और सेकंड टाइप का 1/2 kg परचेज करे तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और कॉस्ट भी क्या लगेगी 160 रुपीज लगेगी. मिनिमम कॉस्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है 160 रुपीज, क्या यही ऑप्टिमम मिनिमम सॉल्यूशन है क्या? वैसे सीबीसी कॉपी चेकिंग के अंदर जो अगला वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ उसकी कोई मार्किंग नहीं होती है. आपकी मार्किंग यहीं तक होती है. आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ऑप्टिमम सॉल्यूशन वाले ही है. फिर भी एक चीज इसमें ध्यान रखना, क्या यही मिनिमम ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या इस रीजन के अंदर ऐसा और कोई पॉइंट है क्या जिस पर कॉस्ट इससे भी कम आ रही हो? अपन को यह चेक करना है कि यही मिनिमम ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, इससे ज्यादा मिनिमम कॉस्ट नहीं हो सकती है. तो आप क्या करोगे, ये जो मिनिमम कॉस्ट वाला ऑप्शन है 60x प्लस 80y और आपकी जो मिनिमम कॉस्ट आई है इसको इक्वल कर दीजिए. इसको इक्वल करके इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए. इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें 6x प्लस 8y इक्वल टू 16, 6x अपॉन 16, 8y अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो ये वही 8 अपॉन 3, y अपॉन 2 इक्वल टू 1. तो 8/3 पॉइंट क्या आ रहा है और ये पॉइंट आ रहा है. तो जो ग्राफ बनेगा ना उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसको आप रोटेट करते हो लाइन बनाओगे. अगर ये डोटेड लाइन आपके मिनिमम कॉस्ट वाले पॉइंट से पास हो रही हो, ये डोटेड लाइन मिनिमम कॉस्ट वाले पॉइंट से पास हो रही हो तो यस, ये जो ए और बी पॉइंट आया है यही ऑप्टिमम मिनिमम सॉल्यूशन है और आपकी जो मिनिमम कॉस्ट आई है वो 160 रुपीज है.